खुद को मजबूत कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हाउ टू बी स्ट्रांग, बट आज का जो वीडियो है इसके पॉइंट्स जो मैं ले रही हूँ कुछ अलग हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, जब स्ट्रांग बनने की बात आती है तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि अपने आप को मानसिक, शारीरिक और मौद्रिक रूप से बहुत स्ट्रांग करिएगा। यानी कि मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको किसी की कोई भी बात तनिक असर ना कर जाए, आप किसी की भी बातों से हर्ट ना हो और किसी की भी बातों को दिल पे ना ले। द सेम वे फिजिकली स्ट्रांग जो पर्सन होता है, यानी कि जो अपनी तबीयत को सही से रखता है, अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखता है, वो भी अपने आप में स्ट्रांग रखता है। और तीसरा जो पॉइंट मैंने लिया था, मौद्रिक रूप से, यानी कि फिनेंशियली आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, फिजिकली मेंटली तो ध्यान रख ही रहे, द सेम वे अपनी अर्निंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा। लाइफ में कुछ भी करिए बट नो कॉम्प्रोमाइज विद योर अर्निंग, यानी कि पैसा कमाने पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो इंसान पैसे रुपए से मजबूत होता है फ्रेंड्स, वो अपने आप में ही स्ट्रांग हो जाता है। और दुनिया को दिखाने की बात नहीं है, अपने आप में ही आप में कहीं ना कहीं मजबूती आ जाती है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले रही हूँ कि कई बार हमें क्या लगता है कि हम फालतू में लोगों से ना उलझें। जो जो बोल रहा होता है हम उसकी सुन लेते हैं, जो जो हमारे साथ बिहेव कर रहा होता है हम उसको सुन लेते हैं, और हम किसी भी चीज पे कोई भी रिएक्शंस नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को भी दब्बू मान लिया जाता है, ऐसे लोगों को भी लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट मेस विद अदर्स। फालतू में किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई आपसे उलझने को आ ही रहा है सो फ्रेंड्स, वहां पर शांत मत बैठिएगा, उसको तबीयत से अच्छे शब्दों में जवाब भी दीजिएगा और उसको फेस भी करिएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, कई बार हमें ये लगता है कि अगर हम रिप्लाई करेंगे तो बात बढ़ेगी, अगर हम कोई एक्शन रिएक्शन करेंगे तो भी बात बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, अगर कोई इस तरीके की मंशा के लोग आपके सामने आ ही जाते हैं सो वो बात बढ़ाने के लिए ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, वहां पे आपको मुंह पे चद्दर तान लेने से तो बात नहीं बनेगी। चीजों को एनालाइज करिए, सही से आंकिए, समझिए, उनका कायदे से सामना करिए। जो बोलना पड़े वो भी बोलिए और जो बनना पड़े वो भी करिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें लगता है कि अगर हम दूसरे से उलझ पड़े तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो इतने स्ट्रांग ही नहीं है, हम इतने मजबूत नहीं है। सो फ्रेंड्स, कभी भी किसी दूसरे की मजबूती से खुद में मजबूती नहीं आती है, वो केवल और केवल तरस होता है आपके जीवन पर। सो अपने आप को मजबूत बनाएं और यस, अपनी मजबूती पे खुद कॉन्फिडेंट रहे। ये साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि सामने वाले इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो हमें हर तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें फोर्सफुली दबाया जाता है और कई बार हमें ओबलाइज कर दिया जाता है, यानी कि कई बार हमें एहसानों तले दबा दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, वहां पर भी मैं बात कहूंगी कि दूसरों के इन्फ्लुएंस को अपने सर पर इतना हावी मत होने दीजिए। दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, दूसरों को प्यार करिए, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो अपनी रिस्पेक्ट है, अपना जो आदर सत्कार है, उसको गर्त में ना डाल दें। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रांग होने की एक शर्त यह भी आती है कि आप कितने दूरदर्शी हैं, आप दूर तक का कितना सोच लेते हैं। यानी कि जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे, लोग तो आपके रास्ते में आएंगे ही आएंगे, आपको परेशान भी करेंगे और आपको मजबूर भी करेंगे, बट यहाँ पर बात यह आती है कि आपने दूर तक के कितने संकटों को देख लिया और कितना उसका इलाज कर लिया, या कितना चीजों को पहले से ही दिमाग में सोच लिया है कि कैसे मुझे फिगर आउट करना है। स्ट्रांग बनना आसान भी है और स्ट्रांग बनना आज की जरूरत भी है। अंटिल आप स्ट्रांग नहीं है सो फ्रेंड्स, जॉब व्यवसाय की तो बात छोड़िए, आप अपनी फैमिली में भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बी स्ट्रांग।